सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। कुछ दिन पहले पृथ्वी और बृहस्पति 107 साल में सबसे करीब आए थे। अंतरिक्ष प्रेमी एक बार फिर एक अलौकिक दृश्य देखने जा रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक बार फिर एक सीधी रेखा में आ रहे हैं। नतीजन आज आंशिक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में आज कुछ देर के लिए दिखेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही लग जाता है। ऐसे में लखनऊ में सूर्य ग्रहण का सूतक सूर्योदय से पहले करीब सुबह 4:42 बजे ही शुरू हो चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है, कुछ ही देर बाद आज आखिरी सूर्य ग्रहण लग जाएगा। जी बिल्कुल, सूर्य ग्रहण लगने वाला क्या लग चुका है। कई देशों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और यहाँ पर भारत में जो हम अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो यहाँ पर भी इसका समय अलग अलग है। कहीं पर 4:36 पर लगना है, कभी कहीं पर 4:29 लगना है। कोलकाता की बात करें तो वहाँ 4:42 पर लगना है। अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पर 4:38 पर लगेगा और लगभग लगभग 40 का सूर्य ग्रहण रहेगा। और कई देशों में इसका शुरुआत हो चुकी है और भारत में जो इसका असर है वो आंशिक नज़र आएगा और आंशिक सूर्य ग्रहण भी रहेगा। हालाँकि इसको लोग देख सकते हैं और अलग अलग राजधानियों में अलग अलग जगहों पर इसका टाइमिंग अलग अलग रहेगा। और साथ ही साथ चूँकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार महत्वपूर्ण है, अगर हम इसके सहयोग की बात करें तो लगभग लगभग 117 साल बाद ये सहयोग पड़ रहा है और लगभग लगभग 27 साल बाद दिवाली के अगले दिन ये सूर्य ग्रहण की घटना हो रही है। हालांकि खगोलीय घटना है पर चूँकि इसका हमेशा से असर व्यापक देखा जाता है और ये असर राजनीति भी होता है, स्वास्थ्य पर भी रहता है, धन धान्य पर भी रहता है और इसका असर आम मानव पर ही पड़ता है। और जो कि ज्योतिष गणना बताती है कि इस समय हमको विशेष सावधानियाँ बरतनी है, सूतक के समय भी सावधानी बरतनी है और सूर्य ग्रहण के समय भी तमाम सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ऐसा कि ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है। माना जा रहा है कि इसका आंशिक रूप लखनऊ में भी देखने को मिलेगा। और भारत के किन किन राज्यों में प्रदेशों में इसका असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर लखनऊ की बात भी मैं कर रहा हूँ। लखनऊ में भी लगभग 4:29 पर शुरू होगा। इसके अलावा अहमदाबाद रहेगा, कोलकाता पर रहेगा, दक्षिण में कई राज्यों पर रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में देखने को मिलेगा और हरिद्वार में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, लगभग लगभग 13-14 राज्यों में देखने को मिलेगा। पर मैंने आपको बताया कि ज्योतिषीय गणनाएँ हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका समय रहेगा, अलग जगह पर अलग समय रहेगा। अगर बात करूँ तो देशों में शुरू हो चुका है, कई देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल भारत में इसकी शुरुआत होने जा रही है, लगभग लगभग 4:20 पर इसकी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद समय बदलता रहेगा, 4:46, 4:26, 4:38, 4:42, 4:56 तक इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। महत्वपूर्ण यहाँ पर संयोग है। अगर हम संयोग की बात करें तो 117 साल बाद ये संयोग आया है जिसमें संयोग चल रहा है। इसके अलावा 27 साल बाद दिवाली पर अगले दिन सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो रही है। और निश्चित रूप से ज्योतिषीय व्यवस्थाओं के अनुसार तमाम तरह की सावधानियाँ बरतनी है। हालांकि मन में जिज्ञासा का ताकि क्योंकि खगोलीय घटना है और लीगल लोगों धीरे धीरे लोगों के मन में इस घटना को देखने के लिए भी मन वो इच्छुक करता है तो तमाम व्यवस्था भी जो वैज्ञानिक है बनाए हुए हैं और इस घटना को खगोलीय घटना को बड़े पास से देखा जा सकेगा किस तरह से सूर्य ग्रहण होता है। हालांकि इसका असर भी व्यापक होने वाला है। गौरव, भारत के किन हिस्सों में ज्यादा प्रभाव इसका रहेगा? देखिए, जहाँ पर समय ज़्यादा रहेगा कहीं पर 38 का रहेगा, कहीं पर 40 का रहेगा। जो जो इसका अंत है वो लगभग लगभग 5:42 रहेगा। अब कहीं पर अगर आधे घंटे बाद शुरू होगा तो वहाँ पर असर कम रहेगा, पर जहाँ पर ज़्यादा असर समय रहेगा तो वहाँ पर निश्चित रूप से असर ज़्यादा रहेगा। पर साथ ही साथ यहाँ पर सावधानियाँ अगर बरती जाती है असर कम रहेगा। पर हालांकि हर जगह देखा जाता है जब भी नक्षत्रीय कोई ग्रहण होता है, चाहे चंद्र ग्रहण की बात करें चाहे सूर्य ग्रहण की बात करें, तो वहाँ पर जो अनुकूल व्यवस्था है वो हमेशा प्रतिकूल हो जाती हैं। राजनीतिक स्तर पर भी तमाम बदलाव होते हैं, जिस स्तर पर बदलाव होते हैं राजनीति बदलाव होते हैं, रणनीति बदलाव होते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और जो आर्थिक व्यवस्था है उन पर भी इन ग्रहणों का असर पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार इस मतलब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कई तरह की सतर्कता बरती जाती है। जी बिल्कुल, सतर्क बरना जो हमारा ज्योतिषीय व्यवस्था है वो बताता है कि सूतक लगभग लगभग 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। उसके तहत मंदिरों में जो कपाट होते हैं बंद कर दिया, मंदिर दर्शन बंद किए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो है विशेष व्यवस्था के बाद गंगा जल के छिड़काव के बाद तब वहाँ पर द्वार खोले जाते हैं। तो ये व्यवस्था मंदिरों की हो गई। इसके अलावा आम जनता के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, कम से कम सूर्य ग्रहण के समय भोजन ना किया जाए, वहाँ पर पानी ना पिया जाए, तमाम चीज़ें हैं। हाँ, अगर रोगी हो तो अलग बात है, उसको भोजन या दवाएँ देना आवश्यक होता है। पर अगर आम जनमानस
स्वस्थ मानुष है तो कम से कम उसको उस समय भोजन ना करें, इसके अलावा तमाम क्रियाकलापों के लिए मना किया जाता है, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए तमाम सावधानी बरती जाती है, बताई जाती है। और निश्चित रूप से ज्योतिषीय व्यवस्था है, खगोलीय यहाँ पर अध्ययन होता है, उसके बाद तमाम तरह की यहाँ सावधानियाँ बरतने की बात कही जाती है और लोग बरतते भी हैं। हम बताते हैं आपको, तुलसी पत्र के उपयोग भी करते हैं लोग, अपने घरों को गंगा जैसे पवित्र भी करते हैं। तो जो व्यवस्था है ज्योतिष अनुसार बताई जाती है, उसका यहाँ पर जो पालन भी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। भारत में आखिरी इस साल का सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 127 साल बाद ये दृश्य दिखेगा, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में दिखेगा इसका असर और अंतरिक्ष में फिर दिखेगा अलौकिक दृश्य। बता दें कि आज 4:22 से शुरू होकर 5:16 तक के रहेगा सूर्य ग्रहण। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। भारत के अलग अलग राज्यों में और हिस्सों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा अभी कुछ ही देर में। बता दें कि अमृतसर में इस सूर्य ग्रहण का सबसे पहला असर अमृतसर में दिखेगा और लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में आज फिर से अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। एक ये खगोलिक घटना है विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो, और आज ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा सूर्योदय से। बता दें कि 27 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि दिवाली के दूसरे दिन बाद ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है, और विज्ञान की माने तो ये एक खगोलीय घटना है जिससे आज लखनऊ सहित पूरे देश में इसको देखने को मिलेगा। बता दें कि अलग अलग शहरों में इसका अलग अलग टाइम पर इसका असर देखने को मिलेगा। अभी कुछ ही देर बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है। अंतरिक्ष में फिर दिखेगा अलौकिक दृश्य। आपको बता दें कि 27 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिला है कि जो दीपावली के दूसरे दिन बाद ऐसा सूर्य ग्रहण लगा हो। प्राइम टीवी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों में किस सूर्य ग्रहण का क्या है, जो प्राइम टीवी के माध्यम से हम आपको अलग अलग शहरों में अलग अलग नज़ारे दिखाएंगे अभी कुछ ही देर बाद। सूर्य ग्रहण 100 साल कुछ दिन पहले पृथ्वी और बृहस्पति 107 साल पहले सबसे करीब आए थे। अंतरिक्ष में प्रेमी एक बार फिर अलौकिक दृश्य देखने जा रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक बार फिर एक सीधी रेखा में आ रहे हैं। नतीजन आज आंशिक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में आज कुछ देर के लिए दिखेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही लग जाता है। ऐसे में लखनऊ सूर्य ग्रहण का सूतक सूर्योदय से पहले करीब सुबह 4:42 से ही शुरू हो चुका था। अभी कुछ देर बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है और लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। बता दें कि विज्ञान के अनुसार एक खगोलीय घटना है। बता दें कि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का सूतक सूर्योदय करीब आज लखनऊ में 4:42 से ही शुरू हो चुका है। कुछ ही देर बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में ये देखने को मिलेगा। विज्ञान की माने तो ये एक खगोलीय घटना है। ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत में ग्रहण होने से इसका सूतक काल मान्य रहेगा। ग्रहण सूतक काल जारी है। साल का आखिरी सूर्य विदेशों में भी देखा जा रहा है। आइसलैंड में भारतीय समय के अनुसार 2:29 से ग्रहण शुरू हो चुका है। इसका असर विदेशों में भी देखा जाएगा। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में साल का आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण जारी है।
इस बार दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जा सकी है। बता दें कि साल का आखिरी सूर्य विदेशों में भी देखा जा रहा है। आइसलैंड में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:29 से ये शुरू हो गया था। इस सूर्य ग्रहण का असर विदेशों में भी देखा गया है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, एशिया के कुछ भागों में साल का आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण जारी है। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, सूर्य ग्रहण लग चुका है, अभी कुछ ही देर में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है और कहीं कहीं लग भी चुका है। जी नंदनी, देखिए आपको बता दूं, जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो एक तरह से देखा जाए कि जो सूर्य ग्रहण है वो लगातार, देखिए अब जो ये आखिरी सूर्य ग्रहण जो है यहाँ दिल्ली में अभी 4:28 पर लागू हो जाएगा, वहीं 5:42 पर इसके खत्म होने के बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू रीति रिवाज के लोग हैं तो इसको, इस सूर्य ग्रहण को खास तौर पे बहुत ही अहम मानते हैं, क्योंकि लगातार देखिए, क्योंकि जो त्योहार है या जो भी बात है, कोई अच्छा शुभ काम इसमें नहीं किया जाता है। खासतौर पे जो महिलाएं जो रहती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं, उनको खासा ध्यान रखना पड़ता है इस सूर्य ग्रहण के अंदर में। बात कही जाए खाना पीना बनाने की, तो खाना पीना भी इससे पहले बना लिया जाता है। अगर जो बना हुआ खाना है उसमें जो घास होती है, धूप की घास होती है, वो रखी जाती है। कुछ लोग जो तुलसी होते हैं, तुलसी के पत्ते भी रखते हैं, जिससे कि जो ग्रहण का असर है उन खाने पर ना पड़े। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गेरू बताया जाता है लगाने के, तो गेरू लगाने से तो कहीं ना कहीं उनके उनके जो बच्चे पे कोई असर ना पड़े। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण का बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस चीज को, कि जो बहुत अशुभ माना जाता है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं जो अब जो सूर्य ग्रहण है तो थोड़ी देर में ही यहाँ पर गाजियाबाद में लगने के आसार है। हालांकि मार्केट जहां तक देखी जाए तो मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि सब लोग घर में जा चुके हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है इसमें हिंदू जो रीति रिवाज के लोग जो मानते हैं इसको पूरा अच्छे तरीके से, वो लोग घर में रहते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है। जी देखा जाए प्रवीण, तो कई सालों बाद दिवाली के बाद ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। जी नंदनी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बहुत बड़ा बहुत इसको देखिए हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से माना जाए तो राहु और केतु के लिए माना जाता है। तो वहीं अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जब सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के बीच आता है उसके बाद ही इस तरह का ग्रहण पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सभी अपनी अपनी जो चीजें रखते हैं, अपने अपने जो अपने आकलन है, तो सब लोग अपने अपने बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू रीति रिवाज, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सूर्य ग्रहण है काफी बुरा माना जाता है, कहीं काफी गलत प्रभाव पड़ते हैं इसको लेकर। खासतौर पर घर में रहना है और खासतौर पर जो पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, इन चीजों पर खासा ध्यान रखा जाता है। जी गाजियाबाद में अभी से या कुछ देर बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा प्रवीण? जी बिल्कुल, देखिए 4:28 का समय बताया गया था, जैसे कि मेरे हिसाब से कि 4:28 पे ही सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो मेरे हिसाब से लग चुका है। यहाँ पर 4:29 पर हो गए हैं, तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग चुका है। हालांकि अभी सूर्य ग्रहण जो है 5:42 पर दिल्ली, गाजियाबाद समेत जितने भी यहाँ नोएडा है, यहाँ पर सब जगह से 5:42 पे यहाँ से सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। जी शास्त्रों के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत सारी सतर्कता और सावधानियां बरतनी रहती हैं। देखिए शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको खासा इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। खासतौर पर जो महिलाएं रहती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलना है, और लाल गेरू होता है वो लगाना है। कुछ लोग जैसे जैसे जो अपने अपने लोगों से बात करते हैं, पंडितों से, शास्त्रों से बात करते हैं, तो उस आधार पे उनको बताया जाता है कि आपको ये चीज नहीं लगानी और इससे बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कहते हैं ये जो पुराणों से कहा चला आ रहा है कि बच्चा अगर जो ग्रहण पढ़ते हैं, ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाएं कुछ अगर इस तरह का कार्य कर लें तो बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे पर गलत असर पड़ता है, बच्चा अपंग भी पैदा हो सकता है, इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पर माना जाए तो वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि जो सूरज है और चंद्रमा पृथ्वी के बीच में जब आते हैं तो ये उसका ही सूर्य ग्रहण उसको कहा जाता है। जी देखा जाए तो प्रवीण, भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में ये इसका असर दिखने वाला है। अभी 2 मिनट बाद, कुछ ही देर बाद दिल्ली में भी इसका असर लगने वाला है।
जी बिल्कुल, देखिए सूर्य ग्रहण बड़ा है इसलिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि गाजियाबाद में अभी जब मैं वहां से चला आ रहा था तो रोड पूरा सन्नाटा है, बाजारों में सन्नाटा है, कुछ चंद दुकानें जो खुली हुई हैं जैसे कि जो ग्रोसरी की दुकान है, इस तरह की दुकान है, वो लोग जो वही खुली हुई है, अन्यथा बाकी सभी लोग इस समय घर पर हैं और लगातार जो नियम है जिस तरह से बताए गए हैं शास्त्रों द्वारा पंडितों द्वारा, तो उसका पूरा पालन कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो चीज इसमें खासतौर पर सतर्क रहना है कि सूर्य ग्रहण के समय क्या ना करें और क्या करें, तो इनको भी लेकर खासा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है अब इस समय लागू चल चुका है, लागू हो चुका है, अब जो खत्म होने का है वो लगभग मेरे जो बताया जा रहा है 5:42 पे वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही लोग मंदिरों को धोएंगे, कपाट बंद हो चुके थे सुबह से ही, जब देखा गया था कि मंदिरों के जो कपाट थे वो पहले से ही बंद कर दिए गए थे, तो इस तरह से जो जो चीजें होती हैं, फिर भगवान को नहलाया जाएगा, जल अभिषेक किया जाएगा, फिर दोबारा से पूजा अर्चना होगी, इस तरह से बहुत ही सोच समझ के ही इस तरह से किया जाता है। जी देखा जाए प्रवीण, तो जो हिंदू धर्म रीति रिवाज है उसके अनुसार देखा जाए तो इसके बाद सूर्य ग्रहण लगने जब खत्म होता है उसके बाद लोग स्नान करते हैं, कुछ लोग हरिद्वार जाएंगे, वहाँ के लोग गंगा में और हरिद्वार में जाके स्नान करेंगे, इसके बाद तुलसी का एक बड़ा महत्व इसमें माना जाता है। देखिए नंदिनी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लोग जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद सभी लोग, कुछ लोग गंगा स्नान करेंगे, कुछ लोग अपने घर पे ही जो गंगा जल लेके आए हैं वो अपना डालकर उससे स्नान कर लेंगे, हालांकि शाम के समय में जो जब जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद सभी लोगों को नहाना होगा, हालांकि जो मंदिर है मंदिरों को भी धोना होगा, उनको भी पुनः दोबारा से उनको शुद्ध करना होगा, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो है अशुभ माना जाता है, जो कि भगवानों को भी खासतौर पे उनके ऊपर भी इस चीज का असर पड़े, तो इससे पहले ही कपाट बंद कर दिए जाते हैं मंदिरों में, तो ये सब चीजें जो ग्रहण जब भी पड़ता है तो ये खासा ध्यान रखा जाता है। जी प्रवीण, ये सूर्य ग्रहण का असर भारत में तो है ही, कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिस्सों में दिखेगा, लेकिन विदेशों में भी इसका असर दिखने को मिल रहा है। देखिए विदेशों में जो असर था वो पहले ही शुरू हो गया है, हालांकि इस बार जो विदेशी, जो हमारे विदेशी मूल के लोग जो वहाँ रहते हैं विदेशों में, तो कहीं ना कहीं भारत मूल के जो निवासी वहाँ रहते हैं वो लोग भी खासा इस चीज को खासा ध्यान रखते हैं, क्योंकि लगातार वो यहाँ के जो पंडित होते हैं उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से सूर्य ग्रहण में हमें क्या क्या चीजें नियमों का पालन करना है, किस तरह से सूर्य ग्रहण के समय हमें नहीं निकलना है, क्या क्या चीजें हैं जो नहीं खानी है, घर में रहना है, इन चीजों का पालन करना पड़ता है, तो खासा देखा जा रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि डायरेक्ट सूर्य को जो है अपने सीधा नहीं देख सकते हैं, इससे वो जो तरंगे हैं उनसे आंखों पे भी असर पड़ता है, शरीर पे भी असर पड़ता है, ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण है जो कि नियम के अनुसार सभी को देखनी पड़ती है। जी प्रवीण, समय के अनुसार देखें तो गाजियाबाद में इस वक्त सूर्य ग्रहण लग चुका है, क्या कुछ असर देखने को वहां पर मिल रहा है? देखिए इस समय पर मैं आपको बता दूं, खासतौर पे जो यहाँ पर मार्केट है, मार्केट काफी सन्नाटा पसरा हुआ है, मार्केट में बहुत ही कम लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, हालांकि जो काम वाम करने वाले लोग हैं जिनके पास ये जानकारी नहीं है, लेकिन हालांकि अब तो सबको जानकारी हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते, अगर जो लोग मानते हैं तो वो लोग इसका पूरा पालन भी करते हैं, तो कई लोग हैं इस समय पर जो अपने घर पर है, बाहर कोई नहीं निकल रहा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कि जिस तरह से सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो ये एक साल का बड़ा सूर्य ग्रहण है जिसको काफी देशों में देखा जा रहा है, विदेशों में और अपने देश में भी देखा जा रहा है, तो ये काफी बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। लखनऊ सहित देश के अलग अलग हिस्सों में साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक सूर्योदय करीब सुबह से शुरू हो चुका है, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। बता दें कि इसका असर विदेशों में भी देखने को मिलेगा और विदेशों में सुबह से इसका असर दिखना शुरू हो गया है, अंतरिक्ष में फिर दिखेगा अलौकिक दृश्य। 107 साल बाद ऐसा असर देखने को मिल रहा है जहाँ दीपावली के बाद दूसरे दिन ही सूर्य ग्रहण लगा हो। हिंदू रीति रिवाज हिंदू धर्म के अनुसार माना जाए तो ये एक हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का लगना एक, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुल्तानपुर से। सूर्य ग्रहण का क्या असर दिखने को मिल रहा है? 4:29 पर यहाँ पे जो है शुरू हो जाएगा,
लगभग 6:09 पर खत्म हो रहा है। जिस तरह जो है यहाँ का अगर हम बताते चले कि आपको जो है ग्रहण लग रहा है, ग्रहण को लेकर जो है पहले से काफी तैयारियां लोगों की हो चुकी है। लोग अपने खानों में या बर्तनों में जो है तुलसी का पत्ता डालने लगे हैं, कोई चीज पवित्र अपवित्र ना हो जाए, पवित्र ही बना रहे। और हमको इस ग्रहण में जो है कुछ खाना भी नहीं चाहिए, उसी को मद्देनजर ध्यान पर रखते हुए लोग पहले से ही सतर्क हो गए हैं। हम कोई भी चीज गलत काम ना करें जो हम परिवार पे कोई चीज का संकट आ सके। आशुतोष, सुल्तानपुर के बाजारों में वहां पर कैसा माहौल दिख रहा है अभी? जी, बाजारों की हम बात करते हैं, जैसे दीपावली के बाद परिवार के दिनों तक लोग अपनी छुट्टी मनाते हैं, इधर से उधर लोग घूमते भी हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है छुट्टी के बाद। लेकिन आज वो चीज बाजारों में कुछ सन्नाटा भी रहता है और सन्नाटा भी देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अगर हम चर्च की अगर बात करते हैं, जैसे सुल्तानपुर का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम त्योहार होता है, अगर इस तरह की कोई मुसीबत आती है ग्रहण को लेकर, वो चीज जो है वो कार्य वहां पे रुक जाता है, उस कार्य को लेकर आगे नहीं बढ़ाया जाता। जैसे हम मूर्ति विसर्जन को लेकर अगर बात करते हैं, दुर्गा पूजा का यहाँ ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है, जो काफी दिन पहले जो है यहाँ पे जो है ग्रहण लग चुका था। ग्रहण के दौरान जो है मूर्ति विसर्जन स्थापित रोक दी गई थी। ग्रहण खत्म होने के बाद ही जो है माता जी की विदाई की गई थी, जिसको लेकर जो है एक रौनक भी देखने मिलती है। वही ठीक आज दीपावली के बाद भी ऐसा देखने मिल रहा है, जो एक रौनक ग्रहण लगने में खत्म कर देता है। देखा जाए तो आशुतोष, ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा और इसके बाद फिर विदेशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, भारत के अलग अलग राज्यों में इसका असर दिख रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, भारत के अलग अलग राज्यों में देखने मिल रहा है। सबके अलग राज्यों में जो है अलग टाइम है और अलग प्रक्रिया चल रही है। जैसे पंडित और पुजारी, जो भी ब्राह्मण, जो भी शास्त्र बड़े बड़े पुजारी होंगे, वो अपने स्तर पे बताएंगे आप स्त्री की सेवा करिए, आप स्त्री का खान पान रखिएगा, स्त्री के आगे लेके चलिएगा, कोई भी चीज की संकट आप पे नहीं आएगा। अगर उस चीज को अगर आप नहीं करते हैं, हो सकता है कोई ना कोई संकट खड़ा हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे सबसे बड़ी मेन पॉइंट जो आपने अभी बात की है, इस पे हम बता रहे हैं आपको जो है गर्भवती महिला जो है इसमें सावधान रहने की बहुत जरूरी होती है, उसी पे जो है सबसे ज्यादा ही संकट खड़ा रहता है। आशुतोष, देखा जाए तो ये दीपावली का ऐसा कई सालों बाद ये ऐसा असर देखने को मिला कि दीपावली के दूसरे दिन ही सूर्य ग्रहण लग रहा हो। जिस साल का एक साल बाद जो है कोई भी त्योहार आएगा वो धूमधाम से ही होता है। अगर कोई भी धूमधाम से त्योहार को लेकर अगर कहीं भगवान नाराज हो जाते हैं या कोई ग्रहण हो जाता है या कोई समस्या खड़ी हो जाती है, वो चीज फिर फीका हो नजर आता है। लेकिन ग्रहण तो लगा है, ग्रहण को देखते हुए जो है लोगों के मन में एक शांति का भय है और शांति तरीके हम इसको पालन करेंगे। जिस तरह जो है हमारे शास्त्र या पुजारी कोई भी जो है इसको अगर बताया है, हम उसी विशेष पे जो है ध्यान रखते हुए इसको पूरा करेंगे और कोई भी ग्रहण को जो है अनावश्यक जो है रूप से हम नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। बता दें कि ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, जो भारत के भारत सहित तमाम विदेशों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, सूर्यास्त के साथ ग्रहण खत्म भी हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत में ग्रहण होने से इसका सूतक काल मान रहेगा। बता दें कि देश के आंशिक सूर्य ग्रहण जारी है, अमृतसर में, श्रीनगर में, वृंदावन में, दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 27 साल बाद दिवाली के बाद ऐसा आंशिक सूर्य ग्रहण लगा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में 30%, जबकि रूस और चीन में 80% सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। बता दें कि भारत के अमृतसर में सबसे पहला सूर्य ग्रहण दिखा गया है। आइसलैंड में भारतीय समय के अनुसार 2:00 वहां पर लग चुका है। विदेशों में भी इसका असर देखा जा रहा है, यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका, एशिया, अमेरिका। बता दें कि भारत के कई भी हिस्सों में सूर्य ग्रहण जारी है। कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण खत्म भी हो जाएगा कहीं कई हिस्सों में।
सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सका है। बता दें कि भारत में अमृतसर में सबसे पहला दिखा है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। हिंदू रीति रिवाज से माने तो सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है, कई सारी सावधानियां बरतनी रहती है इसको लेकर। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कई भारत के कई हिस्सों में दिखना शुरू हो चुका है। भारतीय रीति रिवाज से माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, खाने पीने की वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं, खासकर गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण के दौरान अपना विशेष ध्यान रखें भारतीय रीति रिवाज और हिंदू धर्म के अनुसार। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखना शुरू हो चुका है। बता दें कि पंजाब के अमृतसर में दिखाई दिया है सूर्य ग्रहण, सबसे पहले पंजाब के अमृतसर में दिखाई दिया है। इस भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। भारत के अमृतसर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण देखने को मिला है। बता दें कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, सूर्यास्त के साथ ग्रहण खत्म भी हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सका है। अमृतसर में सबसे पहले देश का आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया है। सूर्य ग्रहण के कारण भारत के मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। भारतीय धर्म ग्रंथ की माने तो सूर्य ग्रहण में सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं को होता है, जिनका अपना खासा ध्यान रखना होता है। देश विदेश में सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है, कई शहरों में सूर्य ग्रहण जारी है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और सूर्यास्त के साथ ग्रहण खत्म भी हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सका है। भारत में इस ग्रहण को सूतक काल माना जा रहा है और ये ग्रहण अभी तक जारी रहेगा। देश के सबसे पहले अमृतसर में देखा गया है। बता दें कि श्रीनगर, जम्मू, वृंदावन, दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। अभी बता दें कि भारत के अमृतसर में सबसे पहले दिखा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान हिंदू धर्म रीति रिवाज की माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा निकलती है तथा खाने पीने की वस्तुएं अपवित्र मानी जाती हैं, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल दिया जाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से चीजें पवित्र बन जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण के दौरान अपना विशेष ध्यान रखें। इस दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान सूर्य ग्रहण से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूर्य ग्रहण का नजारा देख रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी देख रहे हैं सूर्य ग्रहण का असर और गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हिमांशु, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जारी हो चुका है और इसको सीएम योगी आदित्यनाथ भी देख रहे हैं। बड़ा ही विचित्र माहौल रहा है क्योंकि अमावस्या के दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ये दो दिन इसकी वजह से अमावस्या पड़ रही है, जैसे कल 24 तारीख को दीपावली लोग मनाए और आज 25 को भी अमावस्या है। ऐसे में दो दिन अमावस्या पड़ जाती है और दीपक काल भी लग जाता है। दीपक में काफी चीजों को परहेज करना पड़ता है। सनातन हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें भी काफी चीजों को जो है परहेज किया जाता है। चाहे जिसकी आप बात करें मूर्ति को, तो मूर्ति पूजन नहीं करनी है, ना छूना है, ना कोई सामान खाना है। पूजा पाठ हर तरीके का बंद रहता है। मंदिरों के कपाट पूरी तरह से बंद किए जाते हैं और पूरी तरह से आप देखिए पूरे देश में कोई भी मंदिर के कपाट नहीं खुले हैं, पूरी तरह से बंद है। दुनिया के कई देशों में देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस भौगोलिक अनोखी घटना को देख रहे हैं कि किस तरीके से आकाश में सूर्य ग्रहण का जो है नजारा चल रहा है। आपको बता दें कि स्वाति नक्षत्र में जो है यह है सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तुला राशि के स्वाति नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगा है और इसका काफी ग्रहों पे असर पड़ेगा और काफी राशियों पे भी इसका असर पड़ता है। इसके लिए खास पूजा अर्चना भी की जाती है। जैसे ही शीतक काल खत्म होगा लोग पूजा अर्चना शुरू कर देंगे। हिमांशु, देखा जाए तो गोरखपुर में इसका असर कब से दिखना शुरू हुआ है, बाजारों में क्या माहौल है वहाँ पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि बाजार पूरी तरह से सन्नाटे हैं क्योंकि लोग निकलने से भी परहेज करते हैं। ग्रहण का जब तक काल चलता है लोग कहीं भी जाते आते नहीं है, यात्रा करने से परहेज करते हैं, किसी भी कार्य को करने से परहेज करते हैं। तो ऐसे में सभी लोग जो है अपने अपने घरों पे हैं या फिर जिस भी जगह पर वह है वहाँ से कहीं भी यात्रा करने की नहीं सोच रहे हैं। बहुत जरूरी होने पर ही लोग जा रहे हैं। दुकानें पूरी तरह से बंद है, लोग अपने अपने घरों में है। और आपको बता दें सूर्य ग्रहण जो है 4:22 पे होगा और उसमें जो है मध्य इसका जो है 5:14 और मोक्ष 6:32 पे हो जाएगा। और क्योंकि 5:35 पे सूर्य अस्त हो जा रहा है तो ऐसे में 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है, यानी 4 बजे के आसपास सूतक लग चुका है। उसके बाद से लोग खाना पीने पे पूरी तरह से परहेज करते हैं। इससे पहले ही जिसको जो चीज खाना पीना होता है, नहाना धोना होता है, वो पूरी तरह से स्नान ध्यान कर लेता है। उसके बाद पूरी तरह से मंदिर और भगवान से दूरी लोग बना लेते हैं, मूर्ति को स्पर्श नहीं करते हैं, खाने पीने में पूरी तरह से परहेज करते हैं, किसी तरह का पूजा पाठ आरती नहीं होता है। और इसलिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बैठ करके इस अनोखा नजारा जो है इसका लुत्फ ले रहे हैं, खुद लखनऊ में बैठ कर ले रहे हैं और हम लोग गोरखपुर में बैठे हुए हैं उनके गढ़ पे। और यहाँ पे बता दें पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है, लोग पूरी तरह से जेल से बचना चाह रहे हैं। हिमांशु, देखा जाए तो भारत के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण जारी है। बताया जा रहा है कि कई साल बाद दिवाली के बाद ये ऐसा सूर्य ग्रहण लगा है। ये बिल्कुल ये अनोखा सूर्य ग्रहण होगा क्योंकि ये कई साल बाद इस तरह का सूर्य ग्रहण लगा है। और आपको बता दें कि 30 से 35 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण बताया जाता है कि लगा है, जिसमें अमावस्या के दिन जो है इस तरीके का सूर्य ग्रहण है कि अमावस्या 2 दिन पड़ती है, दीपावली 2 दिन पड़ जाती है। और क्योंकि ग्रहण होता है तो इसके ग्रहण के दिन दीपावली नहीं मनाई जाती है, इसलिए 24 तारीख को दीपावली का उसको मनाया गया है। क्योंकि राशियों पे इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, इस वजह से अमावस्या भी जो है पूरी तरह से दो बार होती है। देखा जाए तो विज्ञान के अनुसार माना जाए तो ये खगोलीय घटना है, जिसका आनंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए भी दिख रहे हैं। वो बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पर नजर रखे हुए, खगोलीय घटना है, पूरी तरह से देख रहे हैं, खुद इसका लुत्फ ले रहे हैं कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण हो रहा है और सूर्य ग्रहण का पूरी तरह से वो लुत्फ ले रहे हैं। कई शहरों से लोग इसका जो है लुत्फ ले रहे हैं, अनेक जगह जो है इसके लिए खास तरह की बिल्डिंग लगाई गई हुई है जिससे इस खगोलीय घटना को है पूरी तरह से लोग इसका नजारा ले सके, इसको देख सके। हालांकि खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जाता है क्योंकि उससे आंखों को जो है पूरी तरह से नुकसान, क्योंकि गामा किरणें इससे निकलती है जो की आंखों को पूरी तरह से नुकसान करती है। इसलिए इसको देखने के लिए विशेष दूरबीन का या फिर एक्सरे फेस का प्रयोग किया जाता है जिससे कि आंखों पर दिक्कत ना हो। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात करें अगर आस्था की बात करें तो इसमें काफी पहले रखा जाता है, जैसे गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको इससे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनको पूरा जब तक सूर्य ग्रहण लगा रहता है तब तक उनको कहते हैं कि टहला जाए और वो टहलते रहते हैं, वो कहीं बैठ नहीं सकती है, इससे उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हिमांशु, बात करें गोरखपुर की तो क्या गोरखपुर में पूरी तरह से बाजार बंद हो चुका है या कुछ लोगों का आवागमन जारी है?
ये बिल्कुल बहुत कम ही लोगों का आवागमन जारी है, जो भी जरूरत किसी को है वही निकल रहा है और बाकी लोग अपने अपने घरों में पूरी तरह से कैद हो चुके हैं क्योंकि भौगोलिक घटना है। लेकिन इसको धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, माना जाता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे राशियों पे बहुत दोष पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सभी लोग जो है घरों में रहते हैं और इसके बाद से जो है पूजा जब ये ग्रहण खत्म हो जाता है तो पूजा पाठ करते हैं और स्नान ध्यान करके पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं। उसके बाद ज्योतिषाचार्यों के अपने अपने भविष्य के विषय में पूछते हैं, सभी लोग जो है ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं कि किस तरीके के उनके इस ग्रहण से उनके जो है राशि पे किस तरह का प्रभाव पड़ा है, क्या कोई दुष्प्रभाव है या फिर कोई अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि पूरी तरह से यातायात यहाँ पे बाधित हो चुका है, दुकानें आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे पूरी तरह से यहाँ पे बंद है और किसी तरह की कोई दुकान नहीं खुली हुई है, पूरी तरह से दुकानें एकदम पूरी तरह से बंद है, लोग अपने अपने घरों में कैद है, खगोलीय घटना है। और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसका लुत्फ उठा रहे हैं तो देख रहे हैं तो कि काफी अनोखा ये पहल हुआ है क्योंकि कई वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ा है और सूर्य ग्रहण के पड़ने से जो है अमावस्या की ज्योति हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। बता दें कि भारत के अलग अलग जगहों में सूर्य ग्रहण जारी है, लखनऊ समेत पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। इस ग्रहण का सूर्य ग्रहण का नजारा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देखा गया है। ग्रहण का इंतजार खत्म हो गया है, साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, भारत में सूर्य ग्रहण का असर दिखाई देने लगा है। कुछ स्थानों पर सूर्य ग्रहण के अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है, हिंदू धर्म की माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा निकलती है तथा खाने पीने की वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं, इसलिए खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। इसी बीच औरैया से हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, देखा जाए तो भारत के अधिकांश हिस्सों में सूर्य ग्रहण जारी है, औरैया में इसका क्या असर दिख रहा है? बताना चाहेंगे जिस तरह से सूर्य ग्रहण औरैया में जो दिखाई दे रहा है उसको लेके जो ग्रामीण हैं और जो शहरी जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो खाने पीने की और जो लोग खाते हैं वैसे तो फुल खाता नहीं है खाना सूर्य ग्रहण के समय, और जो व्यक्ति खाना खाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता डाल के खाना खाते हैं जी नंदनी। और अया में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इसका? बाजार बंद है या लोगों का आवागमन जारी है? जी बिल्कुल बता दें कि बाजार में जो सरगर्मी थी वो दीपावली के बाद जो आज सूर्य ग्रहण का असर दिखाई दिया है वो बाजार बिल्कुल बंद दिखाई दे रहे हैं और कोई भी व्यक्ति घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल रहा है नंदनी। देखा जाए तो ऋषि भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम कुछ मिनट का इधर उधर किया गया है, औरैया में कब से शुरू हो गया है? जी ये 2:10 से शुरू हुआ है और 4:50 पे ये बंद होगा। देखा जाए तो ऋषि इस नजारे का अद्भुत सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसको देख रहे हैं। जी जी योगी आदित्यनाथ जिस तरह से इस चीज को देख रहे हैं वहीं लोग ग्रामीणों में और जो शहरी लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि व्यक्ति हैं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल बंद कर दी गई है, कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषि। बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है, भारत के अधिकांश हिस्सों में इसका असर देखने को मिल रहा है, अद्भुत नजारे देखने लोग अपने अपने घरों से देख रहे हैं। मान्यता है कि अंतरिक्ष में फिर दिखेगा अलौकिक दृश्य, भारत सहित विदेशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा आज, कई सालों बाद दीपावली के बाद ऐसा सूर्य ग्रहण लगा है।
बता दें हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार सूर्य ग्रहण एक नकारात्मक ऊर्जा देती है, इसको लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को खासा इसका ध्यान रखना चाहिए। देश विदेश में सूर्य ग्रहण शुरू हो गया, कई शहरों में सूर्य ग्रहण जारी है, आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। ये सूर्यास्त के बाद ये ग्रहण खत्म हो जाएगा। कि सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सका है, भारत में ग्रहण होने से इसका सूतक काल माना जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में आज शाम 4:29 से सूर्य ग्रहण चालू हुआ है, अमृतसर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण देखा गया है। बता दें कि भारत अमृतसर में सबसे पहले इसका सूर्य ग्रहण देश आखिरी सूर्य ग्रहण देखने को मिला है। आइसलैंड में भारतीय समय के अनुसार 2:29 से ये सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। विदेशों में भी इसका असर देखा गया है, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में। और प्राइम टीवी लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आपको लगातार दिखा रहा है और बता रहा है। और इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जारी हो चुका है और अलग अलग हिस्सों में इसको देखा जा रहा है, लखीमपुर में क्या इसका कुछ असर, क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिये नंदिनी जी, बिल्कुल आपको बता दूं, ये सूर्य ग्रहण जो शुरू हुआ दीपावली के जस्ट दूसरे दिन ये सूर्य ग्रहण शुरू हुआ, तो ये एक 27 साल बाद ऐसी तिथि आई है जो दीपावली के जस्ट दूसरे दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इससे जो है मार्केट में जो है जो दुकानदार बैठे उनको भी फर्क पड़ रहा है, और अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें जो इससे असर पड़ता है तो पूरी तरीके से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी पूरी तरीके से असर पड़ता है। और इस सूर्य ग्रहण के समय से लेकर लास्ट तक कोई भी चीज खाने पीने लायक नहीं बचती है जो कि अपवित्र मानी जाती है। उस खाने पीने वाली चीजों में जो तुलसी के पत्ते हैं या कुछ के उसमें डाल दिए जाते हैं, और जो ये एक बहुत ही घातक है जो हमारे विद्वानों द्वारा बताया गया कि जो तुला राशि है उस पर पूरी तरीके से असर कर रहा है। और अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी की, तो पूरी तरीके से जो मार्केट है और वो सुनसान पड़ी हुई है, लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये लखीमपुर खीरी में जो इस समय करीब 4:27 से शुरुआत हुई है और 5:57 तक जो सूर्य ग्रहण रहेंगे। जी, देखा जाए इस खगोलीय घटना को तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, सुबह के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी बराबर देख रहे हैं इस सूर्य ग्रहण को। और अगर हम अन्य बात करें जो विद्वानों के द्वारा बताया गया कि और मंदिर पूरी तरीके से जो मंदिर के कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लोग अपने अपने घरों में ही बैठे हुए हैं। और अगर इस सूर्य ग्रहण को हम लोग देख सकते हैं तो किसी सूक्ष्मदर्शी या चश्मा लगाकर डायरेक्ट नहीं देखा जाता, इससे आंखों पर भी बुरी तरह से असर पड़ता है। बात करें हिंदू धर्म की तो कई तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए इसको लेकर। जी बिल्कुल, हिंदू धर्म में पूरी तरीके से सतर्कता बरती है, ये बहुत अपवित्र भी माना जा रहा है। जिस तरीके से ये दीपावली के जो दूसरे दिन ही पड़ा तो ये एक महापर्व है, इस पर्व के दूसरे दिन ही ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो ये एक बहुत ही जो ग्रहदशा है उनके लिए। और जो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में पूरी तरीके से जो व्यापारी बैठे उनको भी नुकसान हो रहा है। आज दूसरा दिन था, त्योहार के सुबह का दिन था, लोगों की अच्छी बिक्री हो रही थी, इस पर भी काफी असर पड़ रहा है। जी, देखा जाए तो इसका जो असर पड़ रहा है, आपने बताया कि मार्केट बंद है, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आगे भी अभी कई त्योहारें बाकी हैं आने। जी जी बिल्कुल, एक दिन बाद भैया दूज आ रही है, लेकिन जो व्यापारी बैठे हैं उनकी जो दीपावली के दूसरे दिन से अच्छी बिक्री होती थी, जो लोग बहुत पहले से अपना माल एकत्रित करके रखे हुए थे कि पर्व आ रहा है, महापर्व है ये दीपावली के सुबह से, भैया दूज की बिक्री बराबर, मिठाई वाले या अन्य भी उन लोगों की बिक्रिया बराबर हो रही थी, जिसपे काफी नुकसान पड़ रहा है।
देखा जाए धीरज, तो बताया जाए कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लखीमपुर में क्या बिल्कुल तरह मार्केट ठप हो चुका है या लोगों का अभी भी आवागमन कहीं ना कहीं जारी है? जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से लगभग आवागमन लोगों का बंद है। अगर देखा जाए तो करीब 90% लोग जो है अपने घरों में ही बैठे हैं। मार्केट बिल्कुल सुनसान ही कहा जाएगा। अगर कहीं ना कहीं कोई देखा जाता है तो ये मार्केट बंद ही कही जाएगी। और जिस तरीके से व्यापारी मायूस होकर बैठे हुए हैं लखीमपुर खीरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज। तो बता दें देश के कई शहरों में सूर्य ग्रहण जारी है, सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, कई शहरों में अभी भी सूर्य ग्रहण जारी है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और सूर्यास्त के साथ ग्रहण खत्म हो जाएगा। सबसे पहले भारत के सबसे पहले अमृतसर में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखने को मिला है। आइसलैंड में भारतीय समय के अनुसार 2:29 से शुरू हो गया था। भारत के ज्यादातर हिस्सों में इस आंशिक सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। सूर्यास्त के साथ ही ये ग्रहण खत्म हो जाएगा। बता दें कि आज इस सूर्य ग्रहण के दौरान कई राशियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। भारतीय ज्योतिष अनुसार की माने तो हिंदू धर्म रीति रिवाज की माने तो ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना वर्जित होता है। ग्रहण के दौरान मंत्रों के जाप करने से ग्रहण के प्रभाव को कम किया जाता है। ग्रहण लगने पर खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। माना जाता है ग्रहण के दौरान दूषित किरणें और नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैली होती है। इसी वजह से खाने पीने की चीजों में हानिकारक बैक्टीरिया जल्दी से फैलता है। और इसी बीच हमारे पंडित रामजी मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे साल का आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे क्या कुछ इसका प्रभाव है और कैसा इसका प्रभाव असर रहेगा। पंडित जी आपको मेरी आवाज आ रही है? पंडित जी साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जारी हो चुका है, भारत के अधिकांश हिस्सों में सूर्य ग्रहण लग चुका है। भगवान की जय। आज भारत का आखिरी सूर्य ग्रहण है इस वर्ष का। इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण आज पड़ेगा और जो पड़ रहा है, और ये सूर्य ग्रहण बहुत ही प्रभावशाली है क्योंकि ये पूरे विश्व में देखा जा रहा है, भारत में भी इसको देखा जा रहा है और उसका स्पर्श वर्तमान समय में हो गया है। इस ग्रहण से पूरी धरती प्रभावित रहेगी क्योंकि भगवान सूर्य पूरे जगत के अधिपति हैं, पूरे जगत के सबसे प्रभावशाली देवों में एक है भगवान सूर्य, और उन पर ग्रहण पड़ने का मतलब है कि पूरी धरती से प्रभावित होना। तो वर्तमान समय में ये सूर्य ग्रहण भारत में हर एक स्थान से देखा जा रहा है और इसका प्रभाव भी हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि सूर्य या जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ से या जहाँ से आप लोग देख रहे हैं वहाँ से देखने से लगता है कि सूर्य पर प्रभाव पड़ रहा है और ये प्रभाव बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि सूर्य ग्रसित होता है और जब ग्रसित होता है ग्रहण पड़ता है तो नकारात्मक ऊर्जा सूर्य से बराबर निकलती रहती है किरणों से। उन तीव्र किरणों का प्रभाव जो पृथ्वी पर
जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, उन ऊर्जा को सूर्य की तरंगें, सूर्य की किरणें नष्ट करती हैं। लेकिन जब ग्रहण पड़ता है तो वो नष्ट करने की क्षमता उनमें कम हो जाती है किरणों में, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की संभावना रहती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसका प्रभाव मनुष्य पर, सभी जानवरों पर, प्रकृति पर देखने को मिलता है। इसलिए इस ग्रहण से हम सभी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की यात्रा, कोई भी कार्य, जैसे फल काटना है, सब्जी काटना है, या वाहन चलाना है, या ट्रेन या प्लेन की यात्रा कर रहे हैं, ऐसे समय में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। किसी से आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी से झगड़ा झंझट हो रहा है तो उसे बचना चाहिए। मार्ग में जाते समय ध्यान वाहन पे ही होना चाहिए, किसी से अनर्गल वार्तालाप ना करें, या कोई गाली गलौज की आपस में स्थिति न पैदा हो। अगर यात्रा बहुत मजबूरी बस करनी भी पड़े तो इस दौरान भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करनी चाहिए, जिससे ग्रहण का जो बुरा प्रभाव है वो आपके ऊपर ना पड़े और आप सावधानी पूर्वक गंतव्य तक पहुंच सकें। सूर्य ग्रहण में जप भी किया जाता है, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जब आप जप करेंगे और सूर्य का स्मरण करेंगे तो देवताओं को बल मिलता है। जैसे जब राजा की प्रजा ही राजा का साथ नहीं देगी तो राजा कमजोर पड़ते हैं। इसी प्रकार जी पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन किस मंत्रोच्चार का उच्चारण करें कि सूर्य ग्रहण का असर उन पर कम हो। सूर्य ग्रहण के समय एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया मया भक्त्या ग्रहणार्ध दिवाकरा। सहस्त्रांश तेजो राशि, जो सूर्य यश कीर्ति देने वाले हैं, तेज शरीर में देने वाले हैं, वो सूर्य हमसे प्रसन्न हो, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। यह सबसे साधारण मंत्र है सूर्य भगवान का, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र है सूर्य का, जिसका जप सभी लोग करें। यह बहुत साधारण मंत्र है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। और मंत्रों में जैसे भगवान के, सूर्य के नाम हैं, आदित्याय नमः, प्रभाकराय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, रश्मिमते नमः, कई उनके नाम हैं, उन नामों का भी उच्चारण कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका भी पाठ किया जा सकता है। पंडित जी हमें ये बताइए कि किन राशियों पर ये ज़्यादा असर पड़ेगा इस बार, इसका प्रभाव किन राशियों पर ज़्यादा है इस बार? सबसे अधिक इन तुला राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि के जातक थोड़ा सावधान रहेंगे और स्वाति नक्षत्र के जो जातक हैं उन पर इनका बुरा असर देखने को मिलेगा। इससे जो स्वाति नक्षत्र में जो जातक जन्म लिए हैं उनको बहुत ही सावधान रहना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, उस ग्रहण के दौरान कोई वस्तु खानी पीनी नहीं चाहिए, और उस दौरान, ग्रहण के दौरान अपने घर में बैठ करके मंदिर या शांति के स्थान पर, जहाँ ज़्यादा आवागमन न हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते रहें, या फिर गायत्री मंत्र का जप भी निरंतर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य गायत्री और गायत्री मंत्र करने से हमारे उस तेज को बल मिलता है। पंडित जी देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं को खासकर इस सूर्य ग्रहण में उन्हें विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा जाता है, लेकिन आम लोगों को भी क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? विशेषकर गर्भवती महिलाओं को
इस ग्रहण के दौरान ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके गर्भ में शिशु पलने वाले शिशु को इसका प्रभाव न पड़े, इससे बचना चाहिए। क्योंकि ग्रहण के दौरान जो सूर्य की रश्मियां हैं वो उसमें नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, जिससे बचने के लिए स्त्रियों को चाहिए कि इस दौरान भगवान सूर्य का कोई मंत्र जप करें, या ओम घृण सूर्याय नमः, या ओम सूर्याय नमः, या सूर्य भगवान के लिए बैठ करके ध्यान मुद्रा में कोई भी अपने इष्ट देवता का जप कर सकती हैं। और भोजन न ग्रहण करें इस दौरान। जो सूतक काल में कर लिया है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, स्पर्श हो रहा हो, उस दौरान नहीं ग्रहण करना चाहिए। कोई भी फल काटने के लिए दिया जाए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो संतान के रूप में फल ही प्राप्त होता है, इसलिए उस दौरान में कोई भी फल ना काटें, चाकू या इस तरह का औजार का इस्तेमाल ना करें, सोएं नहीं, क्योंकि निद्रा में रहेंगे तो भी उसका प्रभाव हमारे गर्भ पर पड़ सकता है। इसे निद्रा सोए नहीं उस दौरान भगवान के समक्ष मंदिर में या अपने घर में ही, अपने रूम में ही, बेडरूम में भी बैठ करके भगवान का स्मरण करें, अपने इष्ट देवता का जप करें, और जो भी उनको खाना पीना है वो मोक्ष के बाद 5:45 पर भारत में मोक्ष हो जाएगा, और उसके उपरांत स्नान कर लें। स्नान जो न कर सकें, हो सकता है जल ठंडा है, गर्म पानी से स्नान कर लें, और स्नान के उपरांत मंदिर में पूजन करें और दान करें, क्योंकि ग्रहण या संक्रांति लगने पर दान का विशेष महत्व है, और दान अवश्य करना चाहिए ग्रहण के दौरान। क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है उसमें कुछ ऐसे तत्व, ऐसे नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास आ जाती है जो कि दान पुण्य से वो दूर हो जाती है। इसलिए ग्रहण के उपरांत अपने पुरोहित को या मंदिर में जा कर के या अपने मान्य को दान करना चाहिए। दान में विशेष रूप से खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं, या अन्य जो भी वस्तुएं आपको लगती हैं स्नान ध्यान करने के बाद, भगवान के पूजा पाठ करने के बाद। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा का पाठ करें और दान पुण्य करें, जिससे वो जो ग्रहों का बुरा असर है उससे आप बचे रहेंगे। पंडित जी, देखा जाए तो दिवाली के 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि दिवाली के दूसरे दिन ही सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है, शास्त्रों में इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? शास्त्रों में इसको बड़े ही विशेष रूप से देखा गया है, क्योंकि ऐसा जो संयोग है वो 27 वर्ष के बाद आया है कि दिवाली के दिन ग्रहण का पड़ना। ग्रहण दिवाली हमारे त्योहारों में सबसे उत्तम त्यौहार माना गया है, और इसको राष्ट्रीय एकता सद्भावना के रूप में पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से मनाया गया है, और इसमें लक्ष्मी जी का आगमन घरों में आना होता है, और ऐसे दिन ग्रहण का पड़ना ये बड़ा ही उथल पुथल होने की संभावना व्यक्त करता है। तो इसलिए ये त्यौहार के समय में ग्रहण का पड़ना ये अच्छा नहीं माना जाता है। इससे कहीं ना कहीं देश विदेश में कई प्रकार की घटना होने की संभावनाएं मिलती हैं, क्योंकि दूसरे दिन 3 मंगलवार। पंडित जी, इसी बीच हम आपको रुकना चाहेंगे क्योंकि हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं, तो अभी आपसे आगे इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, सूर्य ग्रहण जारी हो चुका है, क्या हाल है बुलंदशहर का, आम
जनता क्या वहां पर बाजारों में दिख रही है? दीदी जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, उसको देखते हुए जो लोग थे जो निकलना बनना बंद हो गया है और देखने को भी सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। विशाल, क्या बाजार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं या लोगों का आवागमन जारी है बुलंदशहर में? जी नहीं, 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 मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीका से बाजारों में जनता आती रहती थी उसको देखते हुए, सूर्य ग्रहण को देखते हुए कहीं ना कहीं जनता आना बंद हो गई है। खरीद जहाँ जो दुकानदार है उनको भी कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा सूर्य ग्रहण के उसको देखते हुए। जी, 27 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिला है जो दीपावली के बाद ऐसा सूर्य ग्रहण लग रहा है। जी, मैं आपको बता दूं नंदनी, जिस हिसाब से दिवाली के बाद एक त्योहार पर जो गोवर्धन मनाया जाता है उसको देखते हुए 27 साल बाद ये सूर्य ग्रहण शुरू डला है। विशाल, आपके बगल में जो खड़े हैं उनसे क्या आप सपास लोगों से बातचीत करिए कि कैसे देख रहे हैं इस सूर्य ग्रहण को इस बार? मैं आपको बात करना, एक ग्राहक है जो आए दिन आते रहते बाजार में और जानकारी लेना चाहते हैं सूर्य ग्रहण को देखते हो क्या ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है कितना परेशानी हो रही है और क्या है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, सूर्य ग्रहण पड़ चुका है, ना कोई शॉपिंग के लिए निकल सकते हैं, ना कोई खरीदारी मंदिर वगैरह, जब तक लगा हुआ है ना एक और भी है लोग जिनसे हम अभी बात करना चाहते हैं कि जो सूर्य ग्रहण जो पड़ा है 27 साल बाद उनसे और थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे क्या उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है इस त्योहार को देखते हुए। मैडम, कुछ लोग विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुक करते हैं, पंडित रामजी मिश्र से आगे की जानकारी लेते हैं इस सूर्य ग्रहण के बारे में। पंडित जी, हमें ये बताइए, आपने तो बताया कि सूर्य ग्रहण के दौरान किस किस सावधानियों को बरतनी चाहिए, लेकिन सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? सूर्य ग्रहण एक बहुत बड़ा खगोलीय घटना है, भौगोलिक घटना है और इसका प्रभाव हर एक मानव को ऊपर पड़ता है, झेलना भी पड़ता है, बहुत अधिक जिन राशियों के लिए नुकसानदायक है उनको उठाना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य ग्रहण मोक्ष हो जाए 5:42, कहीं कहीं 5:30 और 6 के मध्य 6:45 तक इस ग्रहण का मोक्ष बताया गया है। ग्रहण मोक्ष के उपरांत स्नान करना चाहिए, अगर हो सके थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लें और गंगा जल डालने के उपरांत जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद यज्ञोपवीत बदल लें, जो वस्त्र अभी सुबह से पहने हैं उन वस्त्रों को चेंज कर देना चाहिए।
स्नान के बाद, और जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको यज्ञोपवीत बदल देना चाहिए। मूर्तियों में जहाँ घर की जो मूर्तियाँ हैं उनमें फिर से स्नान कराना चाहिए। अगर स्नान कराने की सुविधा ना हो, व्यवस्था ना हो, तो गंगा जल थोड़ा सा छिड़क देना चाहिए। गंगा जल पवित्र शुद्ध माना गया है। गंगा जल सभी सामग्री पर और जो मूर्तियां हैं उन पे गंगा जल छिड़क दें। गंगा जल छिड़कने के उपरांत उनको फिरते वस्त्र धारण करावें, वस्त्र और उनको टीका लगावें। जिस प्रकार आप अपने घर में पंचोपचार पूजन करते हैं उस प्रकार से धूप दीप करना चाहिए। स्नान कराने के बाद टीका लगावें, वस्त्र पहनावें और धूप बत्ती से धूप दिखा दें, दीपक एक जला दें, और दीपक जलाने के बाद जो भी भोग आप व्यवस्था अपने घर में करते हों उस व्यवस्था को, जैसे मिश्री का भोग लगा सकते हैं या पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी पंच पर्वों में एक दिन पहले कल दीपावली के दिन सभी लोगों ने अपने अपने घरों में अच्छे से भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की स्थापना की है, इसलिए स्थापना सभी के घरों में पहले से होगी। और वहाँ पर अभी किसी ने छुआ नहीं होगा सुबह प्रातःकाल उठने के बाद, तो इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि जहाँ पर लक्ष्मी गणेश की आपने एक दिन पहले स्थापना की है उस स्थान को अच्छे से, जो भी कल चढ़ाया हो आपने फूल पत्ती इत्यादि, वो सब वहाँ से हटा देना चाहिए। मूर्तियाँ तो आज नहीं हटाएंगे लक्ष्मी गणेश की, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, इतवार और मंगलवार को विसर्जन नहीं होता है, इसलिए मूर्तियाँ भी वहीं पर विराजमान रहेंगी। लेकिन आप स्नान करने के दौरान वहाँ पर अच्छे से कपड़े से साफ कर दीजिए और उनको फिर से अपने जल, स्वच्छ ताज़ा जल ले लीजिए, उनको जल से छिड़क करके स्नान करा दीजिए, टीका चंदन कर दीजिए, धूप दीप और कुछ भोग के जो कल लगा है उसको हटा दीजिए। आज नया भोग वहाँ पर मिश्री का या जो भी आपके पास मेवा की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था हो। पंडित जी आपको बीच में ही रोकना चाहेंगे, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, लखनऊ में क्या क्या प्रभाव देखने को मिला है बाजारों में, और सीएम योगी ने खुद इस नजारे को देखा है, खगोलीय घटना को? नंदिनी आपको बता दूं कि दीपावली के अगले दिन आज परेवा का दिन होता है, वैसे भी पूरे मार्केट में सन्नाटा छाया रहता है, किसी भी तरह का कोई कारोबार नहीं किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो ग्रहण पड़ा है कहीं ना कहीं ये भगवान के ऊपर कष्ट पड़ता है, जिसको देखते हुए सभी लोग घरों में रहते हैं और मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। लखनऊ में मैं आपको बता दूं, खास तौर पे लखनऊ में जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों के कपाट सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं। 1 घंटा 40 मिनट का ये सूर्य ग्रहण होगा, 1 घंटा 40 मिनट यानी 6:09 के बाद मंदिरों के कपाट खोलेंगे, उसमें पूजा अर्चना होगी। और कहीं ना कहीं अगर ज्योतिषाचार्य की अगर माने तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिन ये जो अब की बार सूर्य ग्रहण लगा है ये 27 साल बाद ऐसा दुर्लभ ग्रहण लगा हुआ है, जो ये सूर्य ग्रहण लगा है और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो तुला राशि के जातकों पर ज्यादा पड़ने की संभावना है। देखा जाए रितेश, तो हर जगह से व्यापारियों की माना जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के चलते व्यापारियों का काफी बाजार में नुकसान हो रहा है। जी नंदिनी आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण के चलते लोग अपने घरों में हैं, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, देखने से उसके उसमें गामा किरणें निकलती हैं जिसकी वजह से कुछ दुष्प्रभाव भी उससे कुप्रभाव भी पड़ने के संकेत रहते हैं। ऐसा अगर वैज्ञानिकों की भी माने तो उसको एक एक्सरे लगा करके, एक एक्सरे चश्मे से देखा जाता है सूर्य ग्रहण को, डायरेक्ट आंखों पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। और रही बात जो बाजारों में व्यापारियों की समस्याएं हैं उसको, उसके लिए तो आज परेवा का दिन है, एक दिन का लेन देन और बही खाते बंद किए जाते हैं, दीपावली के अगले दिन हर साल यह होता है। लेकिन जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण की वजह से सभी लोग जो घर से बाहर निकलते थे वो अपने घरों में हैं 2 घंटे के लिए सभी लोग। और मैं आपको बता दूं खास तौर के इसमें जो सावधानी बरतनी चाहिए वो गर्भवती महिलाओं को और इस समय खास तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी समस्या की बात हो सकती है इस समय।
रितेश, देखा जाए भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, विदेशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, वहीं इस खगोली घटना को सीएम योगी भी देखते नजर आए हैं। देखिए जरूर इस घटना को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देखा है और यहाँ नहीं हमारे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी विदेशों में बड़े स्तरों पर भी ये सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि 27 साल के बाद इस तरह का अद्भुत और दुर्लभ इस तरह का जो सूर्य ग्रहण लगा है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिस पर कहीं ना कहीं कोई कोई कष्ट पड़ने की संभावना बनी रहती है। हालांकि इसके बाद पूजन अर्चन करके जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के मान्यताओं के अनुसार हम लोग सनातन धर्म के अनुसार जो पूजन पाठ करते हैं उसके अनुसार कहीं ना कहीं हम इस सूर्य ग्रहण को टालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहीं कहीं हनुमान चालीसा होता है, कहीं सुंदरकांड का पाठ होता है, खाने की चीजों में तुलसी जी का पत्ता मिलाया जाता है। इस तरीके से हम भगवान से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और मानते हैं कि किसी तरीके से जो भी ग्रहण हो, जो भी आम लोगों के ऊपर ग्रहण हो, जिनके ऊपर इसकी जिन जातकों पर इन ग्रहण का प्रभाव पड़ता हो उनको बचाया जा सके, तो ऐसी मान्यता के अनुसार हम सभी लोग पूजन अर्चन करते हैं। नंदिनी, देखा जाए रितेश, तो क्या लखनऊ में पूरी तरह से आवागमन बंद है या कुछ लोगों का आवागमन जारी है? नंदिनी, मैं बिल्कुल साफ कह दूं आपको कि आज सुबह से ही लखनऊ में बिल्कुल सारी दुकानें, सारे बाजार बंद हैं, कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं। परेवा के दिन तो खासतौर पर ये दीपावली के अगले दिन बंद ही रहता है, लेकिन एक बात और आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण लगने की वजह से बिल्कुल से ही ठप है, कोई घर के बाहर नहीं है। जो भी लोग हैं सब घर में है, बच्चों को भी घर में ही बैठाया गया है, किसी को भी बाहर निकलने के लिए उनके माता पिता मना कर रहे हैं और पूरी तरीके से बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश, और आगे की जानकारी के लिए हम पंडित जी के पास फिर से चलते हैं। पंडित जी, हमें ये बताइए कि अक्सर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो सूर्य मंथन, समुद्र मंथन का एक अलग जिक्र लेकर किया जाता है सूर्य ग्रहण को लेकर, क्या मिथ्या है, क्या सच्चाई है इसके बारे में? समुद्र मंथन से संबंध है क्योंकि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए, उसके उपरांत विष भी निकला और अमृत भी निकला, तो विष का तो पान भगवान भोलेनाथ ने कर लिया। अगर विष भगवान शिव न पीते तो आज से संसार में कोई भी प्राणी जीवित नहीं होते। आज उन्होंने अपने कंठ में स्थान उसको दिया है और इसीलिए आज पूरा संसार ये जीवित है और चल रहा है। अमृत देवताओं के लिए था क्योंकि देवता ही इस धरती को, इस संसार को बचाने वाले थे, तो इसलिए भगवान विष्णु ने विचार किया कि ये अमृत जो है वो देवताओं को दे दिया जाए, तो जिसमें देवता और राक्षस दोनों अलग अलग पंगत में बैठा ले गए। और ये माया भी भगवान विष्णु ही कर सकते थे, इससे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को, उस पात्र के, कलश के दो रूपों में उसको बदल दिया, एक में अमृत था और एक में जल, साधारण जल कर दिया। तो पहले राक्षसों को पिला दिया, देवताओं को पिलाने लगे, तो देवता जब पीने लगे तो उसमें से एक राक्षस ने इस क्रिया को देख लिया और समझ गया कि ये देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है और राक्षसों को जल पिलाया जा रहा है। तो ये इस क्रिया को देखते हुए चुपके से उठ करके, क्योंकि राक्षस भी मायावी होते हैं, और उसने देवताओं का रूप धारण कर लिया। देवताओं का रूप धारण करके वो देवताओं की पंगति में बैठ गया और उसने भगवान विष्णु ये जब तक समझ पाते तब तक अमृत उसके हाथ में गिर चुका था और उसने पान कर लिया। अब क्या था कि जैसे उसने थोड़ा सा अमृत पान किया, इस पर भगवान सूर्य जिनकी दिव्य दृष्टि थी उनकी दृष्टि पड़ गई। जैसे सूर्य ने इस क्रिया को देखा, उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को जो मोहिनी रूप में थे उनसे तुरंत उन्होंने सूचना दी कि अरे ये क्या हो गया, तो अनर्थ हो जाएगा, अगर ये अमर हो गया तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा, किसी को जीवित नहीं रखेगा। सभी देवता घबराने लगे
तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठा करके उस राक्षस का गला काट दिया। और जैसे भगवान विष्णु ने उनका गला काटा तो उनके दो भाग हो गए, एक ऊपर का धड़ जो केतु के रूप में और एक नीचे का धड़ जो केतु और ऊपर का धड़ सर से ऊपर का राहु का हो गया। अब ये एक राक्षस से दो राक्षस हो गए। अब ये फिर बहुत चिल्लाने लगे, हा 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 हंसने लगे। फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, लेकिन फिर देवताओं ने रोक दिया कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी ये धड़ और सर यही अभी अमर हो गए हैं, और अगर इनके चार भाग हो जाएंगे तो और ये अधिक शक्तिमान हो जाएंगे, चार जगह अपना प्रभाव डालेंगे। तब इनको भगवान विष्णु ने फिर से सुदर्शन चक्र वापस ले लिया, लेकिन ये इतना उत्पात मचाने लगे कि उनसे देवता परेशान होने लगे। फिर देवताओं में एक मंथन हुआ कि आखिर इनका क्या किया जाए, ये कैसे समाप्त तो होंगे नहीं क्योंकि अमर हो चुके हैं। फिर देवताओं ने ये किया कि इनको किसी भी तरह अपने साथ में जोड़ा जाए। फिर इनको नवग्रहों में स्थान दे दिया गया। सात ग्रह पहले साथी ग्रह थे, बाद में इन दो ग्रहों को स्थान दे दिया गया, लेकिन इन्होंने चंद्रमा और सूर्य से उसी समय से दुश्मनी मान ली, और वो दुश्मनी आज भी राहु के रूप में ग्रसित करते हैं। जब भी ऐसा संजोग बनता है कि राहु केतु पे सूर्य का आना या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, इस तरह की जब खगोलीय घटनाएं होती हैं तो हमारे जीवन में ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में राहु की भी मुख्य भूमिका रहती है, और जब राहु की भूमिका सूर्य को ग्रसित करने के लिए रहती है तो उनकी किरणों को ये बाधित करता है, क्योंकि वो किरणें हमारे मानसिक रूप पर हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो पूरे जगत में मानवों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। उनका कोई अपना ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है, एक धुआं के रूप में, एक ऐसा धूम्रवर्ण के रूप में। आप देखेंगे कि जब आज सूर्य ग्रहण अभी पड़ रहा है तो एकदम बादल धूमिल धूमिल सा दिखता है, ये किसका प्रभाव है? ये राहु का प्रभाव है। और राहु केतु ये एक दोनों एक दूसरे के तरह ही हैं, बस राहु को थोड़ा अधिक पापी माना गया है और केतु को थोड़ा सा कम पापी माना गया है, लेकिन प्रभाव इन दोनों का बहुत तीव्र गति पर पड़ता है। तो जब भी ग्रहण पड़ता है तब भी राहु ग्रसित करता है और उनकी किरणों में बाधा डाल देता है, जो किरणें हमारे शरीर की पुष्टता के लिए, भोजन की पुष्टता के लिए और कई प्रभावों को शुद्ध करती है, उनको दूषित कर देता है, जिससे ये प्रभाव, कई ऐसे ग्रंथकार हैं, वैज्ञानिक हैं और कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ग्रहण का कोई मतलब ही नहीं होता है, ग्रहण का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि ग्रहण के दौरान कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि उनका मन पे भी प्रभाव पड़ता है, जो आप कार्य कर रहे हैं उस पे भी प्रभाव पड़ता है। और जो लोग ये कहते हैं उनको हो सकता है कि उनकी राशि अच्छी चल रही हो जिससे उनका प्रभाव उनके ऊपर ग्रहण करना पड़े, लेकिन इस धरती पर जितने भी मानव हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और इसको मानना चाहिए इस घटना को, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म से जुड़ी ये बहुत बड़ी घटना है, और ये ऋषि मुनि तपस्वी बहुत पहले गणना करके इस सब चीज़ों का, क्योंकि हमारा जो सनातन है बहुत पुराना है और उस पद्धति से जुड़ा हुआ है, इससे हम सभी को उस ग्रहण को मानना चाहिए। और ग्रहण को मानने से क्या होगा कि आप सावधान रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे, जिससे आपके ऊपर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अभी एक दो दिन बाद स्थितियां अच्छी होने की संभावना है।
पंडित जी, देखा जाए तो सूर्य ग्रहण अभी कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, तो इसको लेकर एक माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार गंगा जल का विशेष महत्व होता है, गंगा जल का विशेष महत्व माना जाता है, लोग गंगा में जाकर स्नान करते हैं। जी हाँ, गंगा जी बहुत ही पवित्र है, गंगा में नदियों में आदि गंगा, तो इसलिए इस ग्रहण के दौरान नदी के तट पर बहुत भीड़ देखने को मिलेगी, सभी नदी सरोवर तालाब इसमें अच्छे से स्नान करना चाहिए, अगर पास में नदी है तब तो अवश्य नदी में ही गंगा में ही जाना चाहिए, लेकिन अगर गंगा नदी नहीं जा सकते हैं, समय अभाव है या आपके घर से नदी दूर पड़ रही है, तो आप अपने घर में ही गंगा जी मान करके, क्योंकि धरती से जो जल आता है उसमें थोड़ा सा अगर गंगा जल मिला लें और गंगा जल मिला करके स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद आज हनुमान जी का दिन है और भौमावती अमावस्या आज क्यों मानी गई है, भौमावती अमावस्या बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, भौमावती अमावस्या जब भी पड़ती है तब भी कोई न कोई प्राकृतिक घटना से संबंध होता है, इसलिए भौमावती अमावस्या को विशेष मानी गई है इस ग्रहण के लिए, तो भौमावती अमावस्या आज है, इसलिए मंगलवार हनुमान जी का संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरय हनुमत बलवीरा, हनुमान जी का स्मरण करने से जो भी संकट आते हैं वो सभी टल जाते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव और केतु का प्रभाव, इन सभी के प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान जी की आराधना करने को बताया गया है, इसलिए आज मंगलवार का दिन है, स्वच्छ अपने घर में स्नान करके, गंगा जी में स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करना चाहिए, शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करके, और जो पहले से आवाहित देवी देवता हैं उनका अच्छे से आज पूजन करना चाहिए, पूजन के उपरांत आप हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ, इस तरह का आप पाठ करके बहुत ही अच्छा अनुभव कर सकते हैं और ये ग्रहण आपको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस बीच में रोकना चाहेंगे, रायबरेली से हमारे संवाददाता बलवंत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बलवंत, रायबरेली में क्या असर देखने को मिल रहा है सूर्य ग्रहण को लेकर? मैं नंदिनी आपको बताना चाहूंगा, देश में सबसे पहले अमृतसर में दिखा इस साल का सूर्य आखिरी सूर्य ग्रहण, जी तो 2:29 में ग्रहण शुरू हुआ और अब भारत के विभिन्न स्थानों में देखा जा रहा है, रूस में, विदेशों में भी देखा जा रहा है, मैम आंशिक सूर्य ग्रहण दिखने लगा, अद्भुत नजारा अमृतसर से लेकर श्रीनगर, जम्मू, वृंदावन, दिल्ली, रायबरेली में आज स्थानों पर भी देखने को मिला ग्रहण, और रायबरेली की बात करें तो हम रायबरेली में भी ज्यादातर लोग घरों पे महिलाएं और सूरज बैठी रही हैं, और रायबरेली, हेलो जी बलवंत, ये कहना नंदिनी जी बताना चाहूंगा कि रायबरेली में भी सूर्य ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में भी सारा कुछ रखा गया था व्यवधान, जो ज्योतिषों की मान्यता है उसके बीच लखनऊ, जी 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 मैम बलवंत ये बताइए, रायबरेली में पूरी तरह आवागमन ठप है या कुछ लोग आ जा रहे हैं? नहीं जी नंदिनी, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आवागमन तो बाधित है, जो जब से सूर्य ग्रहण शुरू हुआ 2:49 से शुरू हुआ था तो आवागमन बाधित रहा है, तो एक जो एक दो आदमी रास्ते में आप देख सकते हैं कि गुजर रहे हैं, बाकी और तो आवागमन बाधित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलवंत। सूर्य ग्रहण से अधिक जानकारी हमारे साथ हमारे पंडित जी, पंडित राम मिश्र जी हमारे साथ मौजूद है और उनसे आगे की जानकारी लेंगे।
पंडित जी, अभी कुछ ही देर बाद सूर्य ग्रहण का समापन हो जाएगा, क्या कुछ असर अभी और पड़ेगा इस पर? जी हाँ, सूर्य ग्रहण समाप्ति होने वाला है। लगभग पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में ग्रहण समाप्ति का समय आ गया है सूर्यास्त के साथ ही। तो अब ये ग्रहण समाप्ति के बाद इसका कोई विशेष अधिक बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण के पहले इसका जब से सूतक लगता है, 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है ग्रहण का, तो जो भी प्रभाव है वो पहले पड़ता है। ग्रहण समाप्ति के दौरान कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। ग्रहण के उपरांत बस यही चाहिए कि स्नान इत्यादि के बाद अच्छे से पूजन करके और अपने जो भी कार्य हैं उनमें लग जाना चाहिए, उसके बाद कोई भी इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। पंडित जी, क्या देखा जाए तो सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग हिंदू धर्म में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं को सतर्कता रखनी चाहिए, आम लोगों को भी सतर्कता, जो नवजात शिशु होते हैं उनको भी क्या कुछ ऐसे सतर्कता बरतनी चाहिए? जी हाँ, नवजात शिशुओं के लिए और गर्भवती महिलाओं को विशेष इसका प्रभाव देखने को मिलता है, प्रभाव पड़ता है। बच्चों के लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि उनको बहुत विशेष बुरा प्रभाव बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता है। उसका कारण यह है कि वो 4 साल तक चंद्रमा का प्रभाव बच्चों पर रहता है और 4 साल से ऊपर 12 साल तक सूर्य का प्रभाव हर एक जातक पर, हर एक बच्चे पर रहता है। तो इसलिए जो 4-5 साल से ऊपर के जातक हैं उन पे ज़रूर इसका थोड़ा सा प्रभाव सूर्य ग्रहण का पड़ता है, अगर वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते। लेकिन इनका बहुत अधिक बुरा प्रभाव सभी पे नहीं पड़ता है, कुछ राशियाँ होती हैं और कुछ राशियों के लिए ये नुकसानदायक होता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके लिए ये इतना हानिकारक नहीं सिद्ध होता है, अच्छे फल भी करता है। पंडित जी, जिन राशियों के लिए अच्छे फल का वो करता है तो वो क्या क्या मतलब अच्छा फल देता है ये सूर्य ग्रहण? अच्छा फल तो विशेष नहीं रहता है क्योंकि सूर्य आत्मबल के कारक हैं, लेकिन अन्य ग्रह जो बलवान है जैसे बृहस्पति बलवान है, तो बृहस्पति को देवगुरु कहा गया है और सूर्य ग्रहाधिपति हैं, राजा हैं, इसलिए जो गुरु से प्रभावित जातक अधिक हैं उनको इसका ज़्यादा बुरा असर देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान धार्मिकता रखनी चाहिए, पूजा पाठ से जो जुड़े जातक रहेंगे उनको इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण का प्रभाव है वो तो आज ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन सूर्य अभी अपनी नीच राशि में और शुक्र अपनी ही राशि में, ये योग अभी थोड़े दिन तक बना ही रहेगा। इसलिए इस योग को कम करने के लिए या ये योग हमारे लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि ये सूर्य का नीच राशि पे जाना, ये भारत में भी जैसे कार्तिक मास में किसी बड़े नेता की क्षति होने की संभावना थी, जो भी मुलायम सिंह जी का आपने सभी लोगों ने देखा कि हुआ, तो ये जो ग्रंथों की शास्त्रों की बातें हैं वो कहीं भी अन्यथा नहीं है। इसलिए ये कार्तिक मास में बड़ी चीज़ें होने की संभावना कुछ रहती है, क्योंकि सूर्य अपनी नीच राशि पर जाना एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने की संभावना रहती है। इससे लगभग 80-85% घरों में कहीं कोई बच्चा, कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, कोई बीमारी की घटना, बीमारी होना, रोग होना, समस्या होना, आत्मबल, घबराहट, या अभी इधर कई देखा गया है कि हार्ट अटैक, इन संबंधी कई घटनाएं देखने को आई हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण पड़ना और कार्तिक मास में सूर्य का नीच राशि पर रहना, ये कहीं ना कहीं बहुत जातकों के लिए प्रभावित होता है ये महीना। इसीलिए इसमें अधिक धार्मिकता के लिए बताया गया है कि इसमें जितना अधिक पूजा पाठ होगा, जितना अधिक भगवान की भक्ति होगी, जितना अधिक हमारा ध्यान
सांसारिक चीज़ों से हट करके आध्यात्मिक की तरफ बढ़ेगा उतना ही हमारा कोई भी अहित नहीं ग्रह कर पाएंगे। पंडित जी हमारे साथ बने रहिए, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।